शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। मुल्क भर की तरह ज़िला सांगड़ में भी यौम शहदाए पुलिस मनाया गया, जिस मौके पर SSP सांगड़ ने शहदा के नामों पर सलामी दी और फूलों की चादर भी चढ़ाई। SSP सांगड़ का कहना था कि आज सारा दिन हमारा आज शहदा के लवाकिन के साथ गुजरेगा। मजीद SSP का कहना था कि यौम शहदा है, आज हम उन हज़ारों पुलिस वालों को याद करते हैं जिन्होंने मुल्क कौम की हिफाजत करते हुए अपनी जानें कुर्बान की। ऐसे शहदा की तादाद हज़ारों में है, सैकड़ों नहीं हज़ारों में है, अगर आप पूरे मुल्क में देखें। और जितने पुलिस आउटफिट्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा कुर्बानियां सिंध पुलिस ने दी हैं। सिंध पुलिस के शहदा की तादाद हज़ारों में है और आज का दिन हम उन शहदा को याद करने में गुजारते हैं और उनकी कुर्बानियों को याद करके, और उन्होंने जो मुल्क के लिए यू नो अपनी जान से बड़ी कोई कुर्बानी नहीं होती उसको रिकॉल करते हैं। ज़ाहिर है हम उनकी फैमिलीज़ के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं। आज उनकी फैमिलीज़ को इनवाइट किया मैंने अपने घर पे, मैं शहदा के घर पे भी विज़िट करूँगा, कुरान खानी का एहतमाम किया है। और ये सारे जो चीज़ें हैं वो इसलिए करते हैं कि हम जो मिशन उनका था जिसकी वजह से उन्होंने अपनी जान कुर्बान की, उस मिशन पे हम लोग कारबंद रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का दिन 4 अगस्त यौम शहदाए पुलिस पूरे पाकिस्तान में मनाया जाता है और अभी यहाँ सांगड़ में सांगड़ पुलिस के जवान इस दिन को मना रहे हैं। इस दिन को जोश व खरोश से मनाएंगे। इसकी आगाज़ जो है सलामी से होगा, इसके बाद जो है यहाँ कुरान खानी की जाएगी, तो सारा दिन हमारा शहदा की फैमिलीज़ के साथ गुजरेगा और उसकी शाम को हम यहाँ पर चरागाह करके इस दिन को इख्तिताम करेंगे। ये वो शहदा हैं जिन्होंने अपनी जान इस वतन पर, इस कौम पर निछावर कर दी। इनके खून का नतीजा है, उनकी कुर्बानियों का नतीजा है कि आप, हम, हमारी कौम आज अमन अमान से रह रही है। ये जज्बा अभी तक बरकरार है और पाकिस्तान के साथ साथ ही जज्बा बरकरार रहेगा जाने देने का। हमारे सब जवान अपनी जान को वतन पर कुर्बान करने के लिए तैयार खड़े हैं। ये हमारे शहदा, हमारे सर का ताज है, इनको कभी भी हम नहीं भूले और ना भूलेंगे। हमारे आज हम यौम शहदा मना रहे हैं क्योंकि शहदा के उनके कतरों से ही ये मुल्क सुरखरू है, हमारी पूरी कौम सुरखरू है। आइंदा भी इस जज्बे में हमारा हर एक जवान इस जज्बे के लिए तैयार है कि अपने मुल्क की अज़म के खातिर लहू का